रेस्तरां और होटल में जाने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब से खाने के बिल में लगने वाला सेवा शुल्क अनिवार्य नहीं होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि सेवाओं से असंतुष्ट होने पर ग्राहक चाहे तो वे इस चार्ज को बिल से हटाने के लिए कह सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस बाबत एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं। इसे टिप्स के एवज में 5-20% की रेंज में लिया जाता है। सेवा कैसी भी दी हो, होटल और रेस्तरां इसे उपभोक्ता से जबरन वसूल लेते हैं। मंत्रालय ने होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से इसको लेकर जवाब मांगा था, जिसके जवाब में एसोसिएशन ने सफाई दी है कि अगर ग्राहक सर्विस से संतुष्ट नहीं है तो वो सर्विस चार्ज देने से इनकार कर सकते हैं। जिसके बाद अब उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वो कंपनियों, होटलों और रेस्तरां को इस बारे में अवगत करा दें, और अगर होटल मालिक आपको सर्विस चार्ज के लिए मजबूर करता है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ बता दें कि सरकार ने सर्विस चार्ज पर छूट दी है, ना कि सर्विस टैक्स में। होटल और रेस्तरां में ग्राहकों को सर्विस चार्ज के अलावा 12.5% वैट और 6% सर्विस टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन अब आपके इच्छा पर यह निर्भर होगा कि आप सर्विस चार्ज दें या नहीं। देखते रहिए डीबी लाइव।